नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। कल ओप्पो इंडिया में अपने ओप्पो रेनो 2 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है और उसका एक वेरिएंट होगा ओप्पो रेनो 2Z, जिसमें होगा हीलियो P90 और ये स्मार्टफोन 20,000 के अंदर लॉन्च होगा, मतलब 20,000 के आसपास। और अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, मतलब ओप्पो रेनो 2Z खरीदना चाहते हैं, तो आपको जरूर लगेगा कि इसके आसपास ऐसा कौन सा प्रोसेसर है जो कि इससे टक्कर ले सकता है। उसका नाम है स्नैपड्रैगन 730 जो कि रेडमी K20 में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हीलियो P90 और स्नैपड्रैगन 730 में से कौन सा प्रोसेसर बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो चलिए शुरू कीजिए आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेट वर्ल्ड चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो हर रोज देखना चाहते हैं तो गैजेट वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो पहले हम जानते हैं हीलियो P90 और स्नैपड्रैगन 730 का आर्किटेक्चर क्या है। प्रोसेसर आर्किटेक्चर मतलब एक प्रोसेसर में जो करोड़ों ट्रांजिस्टर होता है, दोनों ट्रांजिस्टर के बीच का गैप कितना है। ये गैप जितना छोटा होता है उतना एक प्रोसेसर ज़्यादा पावर एफिशिएंट होता है, ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है और कम हीट होता है। तो हीलियो P90 बना है 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर और स्नैपड्रैगन 730 बना है 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 730 क्योंकि इसका आर्किटेक्चर कम है, मतलब ये और भी ज़्यादा पावर एफिशिएंट और भी कम हीट जनरेट करेगा और भी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा। अब हम देखते हैं हीलियो P90 और स्नैपड्रैगन 730 का कोर आर्किटेक्चर क्या है, मतलब किन कोर्स पे ये बना हुआ है। दोनों ही प्रोसेसर ऑक्टाकोर प्रोसेसर है लेकिन स्नैपड्रैगन 730 दो डिवीजन में, इसमें दो हाई परफॉर्मेंस कोर है और 6 लोअर परफॉर्मेंस कोर्स है। तो जो दो हाई परफॉर्मेंस कोर्स है वो है कोर्टेक्स A76 जो कि 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर रन कर रहा है और जो 6 लोअर परफॉर्मेंस कोर है वो है कोर्टेक्स A55 कोर्स जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर रन कर रहा है। अगर हम हीलियो P90 की बात करें तो इसका ऑक्टा कोर 4-4 के डिवीजन में, मतलब 4 हाई परफॉर्मेंस कोर्स, 4 लोअर परफॉर्मेंस कोर। लेकिन यहाँ पर ये स्नैपड्रैगन 730 से थोड़ा सा कम है क्योंकि इसके जो 4 हाई परफॉर्मेंस कोर्स है वो कोर्टेक्स A75 के ऊपर बना है, वो लेकिन स्नैपड्रैगन 730 बना था कोर्टेक्स A76 के ऊपर। और हीलियो P90 के जो लोअर परफॉर्मेंस कोर्स है वो A55 के ऊपर बना है। इसके जो 4 हाई परफॉर्मेंस कोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ और जो लोअर फ्रीक्वेंसी कोर्स है उसके स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज़। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कोर आर्किटेक्चर में भी स्नैपड्रैगन 730 थोड़ा सा बेहतर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर के GPU परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन 730 में एड्रीनो 618 जो कि 500 मेगाहर्ट्ज़ पर रन करता है, लेकिन हीलियो P90 में आरवीआर GM9446 GPU जो कि 970 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करता है। देखिए अगर हम ऑन पेपर देखते हैं तो दोनों GPU में से ये जो आरवीआर GPU जो कि हीलियो P90 पे लगा हुआ है ये बेहतर है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ में हम ऐसा देख पाते हैं कि एड्रीनो 618 एक बेटर क्वालिटी GPU है, इसीलिए एड्रीनो 618 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इसके ओपोनेंट के खिलाफ। क्योंकि इस हो सकता है कि इसके ओपोनेंट मतलब पावरवीआर में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है लेकिन इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का GPU है, तो GPU राउंड में स्नैपड्रैगन 730 जीत जाता है। तो अब हम इसका मेन चीज़ देखते हैं, मतलब दोनों के बेंचमार्क स्कोर है वो देखेंगे। तो हीलियो P90 इसके अनटूटो बेंचमार्क स्कोर है 162K, मतलब 1,62,000 के आसपास, और स्नैपड्रैगन 730 के अनटूटो स्कोर है 2,10,000 के आसपास। तो देख सकते हैं कि अनटूटो स्कोर में ये बहुत ही बड़ा एक फर्क है और यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730 आसानी से जीत जाता है क्योंकि इसका जो CPU कोर से वो बेहतर है और इसका जो CPU आर्किटेक्चर है वो भी अच्छा है। हम कभी भी एक बेंचमार्क स्कोर को देखकर किसी भी प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को नहीं देख सकते, इसीलिए हम एक दूसरा बेंचमार्क को देखेंगे। जो हम दूसरा बेंचमार्क देखेंगे उसका नाम है गीक बेंचमार्क। तो इस पिक्चर में देखिए स्नैपड्रैगन 730 का जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 2569, लेकिन हीलियो P90 का सिंगल कोर स्कोर है 2025, मतलब सिंगल कोर में स्नैपड्रैगन 730 जीत जाता है। अगर मल्टी स्कोर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 730 में 7096 और हीलियो P90 पे 6831। तो अब देख सकते हैं कि सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों में ही स्नैपड्रैगन 730 जीत जाता है। अगर हम इसके दूसरे स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों ही लगभग सेम है, जैसे कि दोनों में UFS 2.1 का सपोर्ट है, दोनों में ही LPDDR4X RAM का सपोर्ट है, दोनों में ही ब्लूटूथ 5 ट्राइबैंड वाईफाई वॉइस ओवर वाईफाई डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है। लेकिन एक चीज़ में स्नैपड्रैगन 730 यहाँ पर भी थोड़ा जीत जाता है क्योंकि इसका जो डाउनलोड स्पीड है,
इसमें यूज हुआ है कैट 15 मॉडेम, इसका डाउनलोड स्पीड है 800 Mbps, लेकिन जो हीलियो P90 है उसका डाउनलोड स्पीड है 600 Mbps, क्योंकि इसमें यूज हुआ है कैट 12। और दोनों का जो अपलोड स्पीड है वो बिल्कुल सेम है, दोनों में यूज हुआ है कैट 13 जिसका स्पीड है 150 Mbps। लेकिन एक चीज है जिसमें हीलियो P90 सिर्फ स्नैपड्रैगन 730 से ही नहीं, स्नैपड्रैगन 845 से भी नहीं, स्नैपड्रैगन 855 के बराबर है, वो है इसके AI स्कोर्स। मीडियाटेक हमेशा से अपने AI स्कोर्स को बढ़ाता जाता है, जैसे हीलियो P60 इसमें पहली बार एक NPU मतलब डेडिकेटेड न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट था, हीलियो P70 इसमें भी AI परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया गया है, और ये है हीलियो P90 इसका जो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कोर है, इसका स्कोर सबसे बढ़िया प्रोसेसर मतलब स्नैपड्रैगन 855 उसके AI स्कोर्स के बराबर है। तो देख सकते हैं कि AI स्कोर में ये स्नैपड्रैगन 730 को बुरी तरह से हरा देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्नैपड्रैगन 730 और हीलियो P90 में से कौन सा प्रोसेसर बेहतर है, क्यों बेहतर है, और आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए जिसमें ये सारे प्रोसेसर हो। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अगर आपके चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।